बेहतरीन मौका है सिंगल टेलको के लिए, अच्छी पास मिड फील्डर को वहां पर, हालांकि कट करके आगे जाने का प्रयास किया था, हालांकि गलत तरीका अपनाया गया। जैसे ही खेल समाप्त होती है अपने साथ खिलाड़ियों को लेकर मैदान में, और एक बार बहुत ही सुंदर अच्छी क्रॉस, लेकिन अच्छी पल अच्छी तालमेल। आज का सेकंड मैच की अगर बात करें तो खानी लवन जमशेदपुर बनाम करीमनगर मोड़िया। साथ ही साथ हम दोनों टीमों के टीम कप्तान से भी आग्रह करना चाहेंगे, इसके बाद आपकी मैच है, आप भी पूरी वार्म अप में लगा दें अपने साथ की लड़ी को। और वही अगर आज के थर्ड मैच की बात करें तो साहिल स्पोर्टिंग बनाम बाबा स्पोर्टिंग कुनोतुंडी निंगटा साई। वही अगर आज का फर्स्ट राउंड आखिरी मैच की बात करें परमान स्पोर्टिंग चांदनी चौक बनाम आज का उद्घाटन का आगाज होता हुआ, और मैं शुरू से कह रहा हूँ हम कमेटी के सभी सक्रिय साथी से आग्रह करना चाहेंगे कि आप जान सकते हैं कि अभी से भीड़ों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसीलिए हम कमेटी के तमाम एक्टिव मेंबर से आग्रह करना चाहेंगे जिनको जो जो काम सौंपी गई है कृपया उस काम को स्वेच्छापूर्वक निभाएंगे, और साथ ही साथ हम आग्रह करना चाहेंगे दुर्गा मैदान के अंदर में जितने भी साइकिल मोटरसाइकिल बीच में है कृपया सभी को हटा देंगे। तो जो जो दर्शक बंधु अभी भी आए हुए हैं उन सब को मैं अवगत करा देना चाहूंगा जो कि पीले पोशाक पर नजर आ रही है वो टीम है एसी बेलकटेल को, वही अगर आज जो कि उत्तरी छोर पर दामन थामी हुई वो टीम है सूरज ब्रैकेट स्पोर्टिंग होलाडी। हालांकि एक बार सूरज ब्रैकेट स्पोर्टिंग होलाडी की पीले लिस्ट पर नजर डाले तो कहीं ना कहीं एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद आ रहे हैं, जहां तक आज सूरज स्पोर्टिंग की बात करें तो गोलकीपर का दमन थामी हुई है मिस्टर दिलीप मुर्मू, और वही अगर डिफेंडर की बात करें तो दो नंबर की जर्सी पर होपना मुर्मू, अगर सुमाई मुर्मू की बात करें तो तीन नंबर पर नजर आ रहे हैं, की बात करें एक काफी धुरंधर खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं अपने टीम के लिए, हालांकि आज 11 नंबर की जर्सी पर नजर आ रहे हैं। वही अगर छुट्टू लाल की बात करें तो एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं अपने टीम के लिए शूटिंग के लिए, काफी अच्छा मौका कहा जाएगा। सनातन जी बड़ी खुशी की बात है, अभी भी हमारे बीच परमित्र साथी मिस्टर शंकर महतो जी जो अंतरिक्ष कमेंटेटर साथी है, उनका हम आदिवासी तिलका फुटबॉल एसोसिएशन कमेटी को बहुत करते हैं। आप
देता हूं कि जो पहला गोल करेंगे उस खिलाड़ी को मैं 300 रुपया दूंगा। क्या अहमद अली चाचा का कहना है? तो दर्शकों के दोनों टीमों से परिचित हो गए आप लोग, चलिए परिचय करा देते हैं। जो पीला लाल बोर्ड जैसे में नजर आ रहे हैं पंडाल को उत्तरी छोर में यानी कि दक्षिणी छोर का मोर्चा संभाल रहे हैं गुजारिश है आप अपने खड़े पर तैयार रखिएगा। ध्यान देने वाली बात कि दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में जो फुटबॉल के जो नियम है मैं बता दूं। बीस 40 मिनट का खेल होगा मैदान के साथ, 5 मिनट का विश्राम दिया जाएगा। हेलो जी हाँ, एक बहुत टीम मैनेजर टीम कोच पहला नंबर ही चल चल से निवेदन है जो कॉर्नर क्षेत्र में आप लोग मैदान के अंदर आ रहे हैं जो कपड़े का बेरे दिया गया उसी के हिसाब से हम लोग बैठेंगे। विनती करूंगा जो कपड़े का बिल दिया गया है आप लोग उस कपड़े से छेड़छाड़ मत कीजिएगा, कपड़े के ऊपर अपना पाँव वगैरह मत रखिएगा, कपड़े के ऊपर नहीं बैठिएगा, यही हमारे निवेदन रहेगी क्योंकि ये आपसी का खेल है। कहते सनातन जी कि किसी को सफल बनाने के लिए किसी का सफलता के पीछे किसी का हाथ होता है और सही में इतनी बड़ी टूर्नामेंट सफल होने जा रही है इसमें आप सबों का हाथ के साथ साथ शरीर आप प्रस्तुत हैं। जी हाँ बिल्कुल, जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम कमेटी परिवार आपका उतना अच्छा खासा आंखों देखा हाल दिखा पाएंगे और इस कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक पहुंचा पाएंगे। तो चलिए दोनों ही धुरंधर टीम टेम्पो के पेड़ में गिर अपने साथी खिलाड़ी को बहुत सुंदर पास और अच्छी क्रॉस आई है पर प्रीतम का काफी अच्छा क्रॉस आया था वहाँ पर सही दिशा पर भेद नहीं पाए। आइडिया नहीं है खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं अपने टीम के लिए आएगा कि जीतो बोका नहीं तो दरियल नहीं पर छे ओके दोनों ही टीम के टीम कप्तान से आग्रह करना चाहेंगे आप भी तैयारी में जुट जाएंगे, ध्यान देंगे सभी खिलाड़ी साथी सभी टीम मैनेजर सभी ऑर्गेनाइजर कि किसी भी टीम को कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिए जाएंगे, किसी भी टीम को किसी भी प्रकार के कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिए जाएंगे, इसीलिए समय रहने के पूर्व भी आपको सेटिंग जोन पर आना है और जैसे ही खेल समाप्त होती है अपने साथ खिलाड़ियों को लेकर मैदान में और एक बार बहुत ही सुंदर अच्छी क्रॉस अच्छी हालांकि सही तरह से भेद नहीं पाए आगे
बोला भी रहे कि सुभाष महतो जी, यदि हमारी आवाज आपके कानों में गूंज रही है तो यथाशीघ्र मंच पे आके संपर्क करेंगे। बोला भी रहे कि सुभाष महतो, बोला भी रहे कि पान दुकान वाले सुभाष महतो, यदि हमारी आवाज आपके कानों में पहुंच रही है तो यथाशीघ्र मंच में आके संपर्क करेंगे। जी हाँ, इसके बाद वाले मैच के लिए हम गुजारिश करना चाहेंगे खान रेलवे जमशेदपुर बनाम करीमनगर मोड़िया, आप दोनों ही टीम के टीम कप्तान से आग्रह करना चाहेंगे कि अपने साथी को वार्म अप के लिए लगा दें, जैसे ही खेल समाप्त होती है आप अपने साथी खिलाड़ियों को लेकर मैदान के बीचों बीच चले आएंगे। एक बार बहुत ही सुंदर मौका, आज उद्घाटन मैच में उद्घाटन बेला पर जितने भी दूर दरार से आए सभी दर्शक बंधुओं का, आदिवासी तिलका फुटबॉल एसोसिएशन आप सबों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करती है। और साथ ही साथ बता देना चाहूंगा जो जो दर्शक बंधु अभी भी आए हुए हैं कि मैदानी खेल की अगर बात करें तो शून्य शून्य की स्थिति बनी हुई है। आज के उद्घाटन मैच के तौर पर एसी ब्लैक टेल को बनाम सूरज ब्रेकेट स्पोर्टिंग धोलाड़ी, और एक बार बहुत ही सुंदर मौका, हालांकि डिफेंडर का कमाल का डिफेंसिव आता हुआ वहां पर। चलिए बड़ी खुशी की बात है जो कि अभी अभी हमारे बीच कमेंट्री दुनिया के मंसूर कमेंटेटर मिस्टर शंकर महतो जी अभी अभी हमारे बीच विराजमान हुए हैं, तो उनको हम अपनी ओर से हम तो बोले जो कहने मारने लगे ना हो अरे मान लो चलो गोटे दिया नीचे अब तो मेन और एक बार बहुत ही बेहतरीन मौका था, हालांकि मौका को सही दिशा देने में नाकाम रहे हैं। एक बार एसी ब्लैक टेल को नौ नंबर की जैसी मैंने खिलाड़ी की हम बोले रे नहीं बके चिरे पड़े था मदर कोस साला बोल साला रा जा रे अरे चलती गेम है ना ही थोड़ी इंटरनेशनल गेम उठे इधर शॉट मार रहा लोकी। हेलो जी, का खान इलेवन जमशेदपुर के टीम कप्तान से आग्रह करना चाहेंगे यदि खिलाड़ियों का फॉर्मेट मंच नहीं ले गए हैं तो कृपया लेकर के चले जाएंगे।
खान इलेवन जमशेदपुर। हर सभी टीमों को बता देना चाहेंगे कोई भी टीम नई नई कम से कम एक डेढ़ घंटा पूर्व ही मंच में खिलाड़ियों का सूची का फॉर्मेट है, कृपया फॉर्मेट लेकर के चले जाएंगे और खिलाड़ियों की सूची जमा कर दें। एक और बार बेहतरीन मौका है सिविल टेलको के लिए, अच्छी पास मिड फील्डर को वहां पर हालांकि कट करके आगे जाने का प्रयास किया था, हालांकि गलत तरीका अपनाया गया, नतीजा वहां पर एक फ्री किक मिलेगा। चलिए आगो का आपको देखा, हालांकि फुटबॉल एसोसिएशन से एक समय के सबसे भरोसेमंद डिफेंडरों के तौर पर जाने जाते रहे हैं, आपको भी इस माइक्रोफोन के माध्यम से स्वागत करना चाहेंगे। दो बेहतरीन के बीच में लगातार खेल रहे हैं, एक तरफ है एसी ब्लैक टेल को और एक तरफ है सूरज ब्रिक्स स्पोर्टिंग होलाडी। नाम आज निश्चित तौर पर गोलाडी गोलाबीरा आमने सामने के क्षेत्र के जरूर रखे गए हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि आज आपके झारखंड के जो प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, उड़ीसा के जो नामचीन खिलाड़ी हैं, बंगाल के जो नामचीन खिलाड़ी हैं, वो आपको इस मैदान पर देखने के मौके मिलेंगे। इसके लिए आपको बारी का इंतजार करना पड़ेगा, जैसे जैसे बारी आगे बढ़ते जाएंगे। और इस बार जिस तरह से टैकल हुई थी, जरूर स्लाइडिंग किया गया था, पांव ऊपर रहा, जिस कारण से रंजीत सरदार मैन रेफरी के तौर पर इस मैदान के बीचों बीच आप उसे देख पा रहे हैं। कद भले ही जरूर छोटा है, लेकिन काबिलियत के तौर पर देखें तो वनडे जीएसए फुटबॉल टूर्नामेंट में एक लंबा अनुभव रखते हैं। सुखिंदर स्वागत है आपका भी, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आज इस माइक्रोफोन के माध्यम से फुटबॉल की उन बातों को लोगों तक पहुंचाए जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं। और इस बार एक अच्छा प्रयास जरूर था, हाथ नहीं लगी है, लेकिन शुरुआती क्षण से एक आकर्षक बंधुओं का जो एक रोमांच रहा है इस खेल के प्रति, वाकई बड़ा अच्छा सुखद अनुभव है। और दो दिनों तक लगातार ये टूर्नामेंट चलने वाली है, काफी रोमांचकारी है। माइक्रोफोन हाथ पर आए हैं तो एक चीज का मैं आप सबको अवगत करा दूं कि हमारे ठीक मैदान के बाहर स्ट्रीट हाईवे एस एस 40 गुजरती है, जो काफी व्यस्त रहता है, रोड है, काफी बड़ी बड़ी वाहनों का आना जाना लगा रहता है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा आप सबों से कि अपना सुरक्षा का ध्यान, आप मीस देख रहे हैं तब भी रखें, और जब आप घर की ओर अग्रसित हो या फिर रोड की इस पर उस पर जाना चाहते हो तब भी अपना सुरक्षा का बिल्कुल अपना ख्याल रखें। सुखिंदर बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ दर्शक बंधु आप लोग बहुत ही अच्छा खेल देख रहे हैं, हम लोग अब सभी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। परिचय कराते रहेंगे, यात्रियों से परिचय कराते रहेंगे, क्योंकि वो तो बॉल बहुत उठाएंगे दाड़ी बना के मारवा ढोके आप टाइम में बात करो, बहुत लोग पता है क्या होगा था। हाँ खिलाड़ी चेंज हो गए, हम आगे तो डिफेंड जो दाने वाला की बात यार खेले ही नहीं रहा था, एक साइड साइड खिलाड़ी डिफेंड नहीं देखना नहीं वर्क टूर्नामेंट में या तो प्रत्येक मैच में रैनो का भी किया जाएगा, तैयारी कर ले इसके बाद वाले मुकाबले के लिए आप दोनों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैच समाप्त होने से पहले ही टेक्निकल जोन भी चले आएंगे ताकि आप क्या पहने हैं क्या नहीं पहने हैं उसकी जांच होगी। खासकर सभी टीमों को आज जो भी पार्टिसिपेंट किए हैं फाइव एस फॉलो करना है, फाइव एस फॉलो करना है, आपका स्विच होना चाहिए, सॉक्स होना चाहिए, सिंग गार्ड होना चाहिए, फुल सॉक्स होना चाहिए, आप मोजा नहीं चलेगी, शॉर्ट पैंट और शर्ट, ये हुआ आपका फाइव एस।
और आपका जर्सी में नंबर होना चाहिए। लास्ट के पेचो करते करते लुटाओ नहीं, लुटाए जाओ नहीं तो लास्ट। और दर्शक साथियों का अवगत करा रहे हैं वर्तमान जिस मिले खेल को प्रयास करती पहले गोल की तलाश जारी है, लगातार कोशिश भी किए जा रहे हैं। समांतर पास मौका बनेगा, जगह बनाने की कोशिश जरूर की गई लेकिन अच्छी सील्डिंग वहां पर डिफेंडर के द्वारा, फिलहाल नियंत्रित करते हुए मैच को बहुत ही जरूर है लेकिन बहुत वाक्य में कामयाब है। एक बेहतरीन मौका है इनके पास पहला गोल लाने का लेकिन इसकी चल सकता नहीं इस समय। आपको चाहिए अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि खेल या मनुष्य की जिंदगी भी संयम होना बहुत ही जरूरी है। संयम के साथ साथ आप में सतर्कता होना भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप सतर्क नहीं रहते हैं निश्चित कोई दुर्घटना हो सकती है। देखने वाली बात होगी दोनों टीमों ने अभी तक अपना संयम नहीं खोया है, अपने एक्यूरेसी खोया है। शंकर क्योंकि सामू जैसे खिलाड़ी बार बार मिस कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन गोलकीपिंग संजय बास्केट नेशनल प्लेयर जो सतर ट्रिफी का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और इसीलिए नाम रखा गया करीम नगर माता पट। देखने वाली बात की साल जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैसे कैसे हीरो को मैदान में उतारेंगे क्योंकि एक अच्छी जोड़ी ही हीरो की पहचान रखती है। दर्शक बंधु आप सभी इत्मीनान से बैठ जाइए, जो भी दर्शक एकदम बाउंड्री लाइन मतलब जो कपड़े का बाउंड्री लाइन है खड़े होकर आप लोग मतलब सट के खड़े हो चुके हैं आप लोग बैठ जाएंगे ताकि बाकी को भी देखने का मौका मिले। जो भी दर्शक कपड़े के बैरियर के सामने खड़े जाएंगे जो खड़े हैं आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये मेहरबानी कीजिएगा आप लोग बिल्कुल जो आगे खड़े हैं उन सबों से आगे बैठ जाए पीछे वाले को देखने का मौका मिले। अभी तक बेहतरीन फुटबॉल का मुजाहरा दोनों ही टीमों के द्वारा, भले ही वर्तमान समय दोनों टीम बराबरी पर जरूर चले हैं लेकिन जो स्थितियां बन रही है बाकी की अंतिम समय में कुछ न कुछ जरूर लगातार कोशिश से जारी पहले गोल की तलाश दोनों ही टीमों को वर्तमान समय में आवश्यकता है। गोल की बहुत ही सुंदर लंबे बॉल के जरिए साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास बने हुए फूलचंद हेमरूम जैसे प्लेयर आज नजर आ रहा है जैसे नंबर 7 विक्रम किस्को जैसे दिग्गज खिलाड़ी जैसे नंबर 12 जैसे नंबर 4 में है प्रीतम जैसे नंबर 80 रायसेन हंसदा और जैसे नंबर 9 लक्की। तो इस टीम में और आज के तारीख में ये प्लेयर काफी सक्सेसफुल है सर का बहुत ही सुंदर नाम के साथ साथ इनके खेल की शैली बता रही है कि काफी अनुभव है इनके पास, काफी संयम अभी तक रखे हुए हैं, समय जरूर ले रहे हैं और इस बार चिक किया था गेंद को गति देने में असफल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जबरदस्त
एक बेहतरीन मौका, लेकिन एकल प्रयास जरूर था वहां पर। अभी भी गेंद राइन से अपने खेल को लाने के लिए अच्छा प्रयास, लंबी बॉल, लेकिन इस बार राइसन के हेड एंड क्लियरेंस कामयाब रहे। खिलाफ पहचान गेंद के साथ आगे बढ़ते हुए काफी नामी ग्रामी नाम और कुलचांद अच्छे स्ट्राइकर के तौर पर जाने जाता है। टीम कैप्टन ध्यान दीजिएगा इसके बाद वाले बखार मैं दोनों टीमों के टीम कोच टीम मैनेजर और टीम कैप्टन से अनुरोध करूंगा खेल शेष होने से पहले ही आप बहुत बड़ी जबरदस्त चेटा मन लेकिन वो रनिंग नहीं थे मारने का आउट सर चेंज है। जिस तरह से हम लोग एक आकलन लेकर आए थे जब 3 लाख के पुरस्कार प्रथम पुरस्कार के तौर पर दिए जाने हैं तो उम्मीदें बिल्कुल जाहिर है हम लोगों को कि हर टीम बेहतर होगी। और मैदान में उतरते ही कुंजन को एक अच्छा मौका मिला था लेकिन इसे रखने में सफल। शंकर आपके पास घोलाडी का प्लेलिस्ट है इसमें भी सामू जैसे खिलाड़ी उसके बाद जो उसका चिकर है जैसे नंबर 8 जैसे नंबर 7 बहुत ही सुंदर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस तरह के बल का प्रयोग होंगे मैं बता दूं सुखेंद्र एक सबसे नामचीन खिलाड़ी जो काफी अरसे से उन्हें फुटबॉल की दुनिया में देख रहे हैं दिलीप गुरु नजर आ रहे हैं गोलकीपर के तौर पर सूरज ट्रिक्स स्पोर्टिंग घोलाडी के ओर से नामचीन खिलाड़ी सूरज हांसदार रवि मुर्मू संभवास के शीतलाल सोमाय टोडो बुलाई मुर्मू सोमाय मुर्मू ओपन मुर्मू ग्रुप मुर्मू ये स्क्वाड है प्लेइंग 9 के सूरज ब्रिक्स स्पोर्टिंग घोलाडी। रायसेन जमीनी की रखने का प्रयास और आखिरकार सफलता अर्जित करते हुए दोनों टीमों ने पूरी तरह जान लगा दी है कोई टीम भूल नहीं कर पाए और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे टीम पेनाल्टी का बढ़ रही है लेकिन कोलावेरी के ग्राउंड का इतिहास अगर हम लोग पलट कर देख लें तो यहाँ अंतिम 1 मिनट में भी गोल हुआ है और अंतिम 3 सेकंड में भी गोल हुए इसमें हम लोग पहले भविष्यवाणी नहीं करना चाहेंगे धीरे धीरे समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ेंगे वर्तमान सेकंड पर सब तीसरा फिलहाल मौका मिले थे दौड़े खामियां देवे में नहीं ठीक है मेल खर्चन मोने ठीक है बड़ी सॉलिड पास है चेहरे हाँ बड़े मोने पास है क्या ही फुटबॉल खेला है खिलाड़ी ने आज गति दिखाई है गति के साथ साथ टेम्परमेंट दिखाया और बिल्कुल पुरवान पास सफल नहीं हो पाए। इसके बाद वाली खेल के लिए टीम कैप्टन ध्यान दें तैयारी के साथ मंच के आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और दर्शक साथियों से आग्रह है कि उनका रास्ता दे दिया जाए और आप हमारे आमंत्रित मेहमान टीम है आज की 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता आदिवासी तेलुगु फुटबॉल एसोसिएशन कोलावेरा दूसरे मैच प्रथम चक्र का खान 11 जमशेदपुर वर्सेस करीमनगर मुड़िया। जल्द से जल्द आप लोग चले आए क्योंकि आप लोगों की बारी है इसके बाद समय ज्यादा नहीं दिए जाएंगे किसी भी टीम को अतिरिक्त तौर पर खुदाना खास्ता अगर पेनाल्टी होते हैं तो कुछ बात और है अदरवाइज आपको समय के मुताबिक आपको मैदान के करीब आना है। फिर से एक बार मौका बनेगा बहुत ही मौका बनेगा अच्छी तालमेल का मुजाहरा की समान नहीं कर रही होता।
अगर सब खिलाड़ी होती है वहाँ सर पहले पहले ना पहले था नालकुंजा ने ग्रेटेस्ट प्लेयर है काफी बेहतरीन खेल के गुजारा बहुत ही सुंदर। और दर्शक साथियों से आग्रह कि आप जहां पे व्यवस्थित हैं जहां बैठे हैं जहां खड़े हैं स्थान सुरक्षित कर लीजिए क्योंकि एक बार अगर आप मैदान के सामने से पीछे चले गए तो दोबारा आपको मौके नहीं मिलने वाले। फिर से एक बार बताते हैं मौका हो सकता है क्या ही चैनल आए लेकिन आखिरकार अरे हमारा नहीं खेला देखने हम मालूम तक नहीं पाउल एक सबसे खतरनाक क्षण खतरनाक पल अच्छी तालमेल क्योंकि खेल अनिश्चितताओं का खेल है खेल में कभी भी भविष्यवाणी नहीं होती है चंद सेकंड ही काफी होती है गोल करने में लेकिन अभी भी मौका है सूर्य ब्रेक से भोलाने के पास क्योंकि ये शुरुआती क्षणों से इतने अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं ये अलग बात है कि गोल होने वाला गेंद गोल नहीं हुई है लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्योंकि मौका भी है दस्तूर भी है और समय की मांग भी है भोलाने के लिए क्योंकि आपके पास पानी के लिए बहुत कुछ है होने के लिए लेकिन मुश्किलें या दुख है उस समय आपको बिखरना नहीं है अपने आपको निखरना है समय है अभी भी सगली टीम जिस तरह से कोशिश कर रही है सुखेंद्र हालम के थ्रो एक अटेम्प्ट बहुत बेहतरीन लिए थे एसी मिलेक्टर को टीम ने हालांकि अटेम्प्ट को गोल में नहीं बदल पाए उसके साथ साथ अगर टीम की बात करें सूरज ब्रिक्स उनको भी बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले लेकिन उस मौके को गोल में परिवर्तन कराने में सफल रहे लेकिन इस बार सुंदर डिफेंस के परिचय टीम को नियंत्रण करते हुए मैं दर्शक मंडल से भी निवेदन करूंगा आप लोग भी बहुत अच्छे सहयोग दे रहे हैं उसके साथ साथ हमारे कमेटी के जो भी सदस्य हैं स्कूल के तरफ विवेकानंद हाई स्कूल की तरफ एक गेंद गई है कोई भी दर्शक की नजर में है तो कृपया गेंद को मैदान पर भेजने का कष्ट करेंगे कोई भी दर्शक आपके सामने गेंद है देखिएगा उस साइड कृपया मैदान को और गेंद को भेज दिया जाए गोल्ड सवाल नहीं सुनना ना बाहरी लगभग लगभग जीत के और धीरे धीरे बढ़ते हुए एसी ब्लैक टेलको की टीम वर्तमान समय जो भी दर्शक सामने यदि हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं आपको अवगत करा दूं ये एसी ब्लैक टेलको की टीम वर्तमान दो गोल से आगे। शंकर जी जब हमें समय मिलते हम समझ नहीं पाते हैं जब समझते तो समय निकल जाती है यही अगर खिलाड़ी के खिलाड़ी इतनी अच्छी मौका करीबी मौका उन्होंने गंवाया है नतीजा उसका पूरा पूरा फायदा उठाया एसी ब्लैक टेलको ने अन्यथा शुरुआती क्षणों में दो तीन गोल हो जाता खिलाड़ी की ओर से और इनका प्रदर्शन में कोई गिरावट नहीं रही है बस जो मौके मिले उनको बनाने में सफल रही है टीम की बात करें सूरज ब्रिक से माधव हिजू आम बॉल लागू किया है माधव हिजू आम बॉल लागू किया है
दूसरा गोल लक्की के द्वारा किया गया है, जैसे मनाई का पहला गोल नंबर 11 जो अभी दर्शक कभी अभी आए हैं। अब रही मात्र माठे शिष्य तुम्हारे सामने क्या देखिए एवं लाल बॉर्डर पर साथ तार कुछ ऐसी मिले टीम को आकाश प्रतिनिधि दोल पिंक তারা হচ্ছে সৌরজ ব্রিজ স্পোর্টিং ফরাডি 2-0 এগিয়ে আছে আর এসে